मूवी की शुरुआत ईयर 1462 में होती है, जब टर्की ने यूरोप पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। तभी एक रोमानियन जिसका नाम ड्रैकुला था टर्की से लड़ने निकल जाता है। उसके जाते ही उसकी ब्राइट एलिजाबेथ उसके आने का इंतजार करने लगती है। ड्रैकुला जंग जीत जाता है, लेकिन एलिजाबेथ को टर्की लोग एक झूठा लेटर भेजते हैं कि ड्रैकुला की जंग के दौरान मौत हो गई है। लेटर पढ़ते ही एलिजाबेथ कैसल से कूद के अपनी जान दे देती है। जब ड्रैकुला वापस आता है तो वो एलिजाबेथ को मरा हुआ देख के बौखला उठता है। वहां मौजूद प्रीस्ट उसे बताते हैं कि एलिजाबेथ नर्क में जाएगी क्योंकि उसने खुदकुशी की है। ये सुन के ड्रैकुला गॉड के खिलाफ चला जाता है। वो अपनी तलवार से क्रॉस में वार करता है जिससे क्रॉस से खून निकलने लगता है। ड्रैकुला वो खून पी लेता है। अब सीन शिफ्ट होके 1897 के लंदन में आता है, जहां हम जोनाथन नाम के एक लॉयर को देखते हैं। जोनाथन का बॉस उससे कहता है कि उसे तुरंत ट्रांसिल्वेनिया जाके उनके क्लाइंट काउंट ड्रैकुला से मिलना होगा, जो कि लंदन में कई जगह पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ड्रैकुला का लॉयर रेनफील्ड नाम का एक आदमी हुआ करता था, जो वहां जाने के बाद से पागल हो गया था। अब वो एक मेंटल असाइलम में है। जोनाथन को उसी की जगह वहां भेजा जा रहा था। ट्रांसिल्वेनिया जाने से पहले जोनाथन अपनी फियांसे मीना से मिलता है, जहां वो दोनों फैसला करते हैं कि जोनाथन के लौटने के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। अब जोनाथन ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकलता है। जोनाथन का सफर बहुत डरावना था। उसे रास्ते में वुल्फ दिखते हैं और उसकी साथी पैसेंजर उसे क्रॉस देती है। जोनाथन को जो बग्घी लेने आती है उसका ड्राइवर भी कुछ अजीब था। रास्ते में उसे अजीब सा ब्लू फ्लेम भी दिखता है। खैर, किसी तरह वो काउंट ड्रैकुला तक पहुंचता है। ड्रैकुला भी बहुत डरावना होता है। अंदर आके ड्रैकुला अपने बारे में जोनाथन को बताने लगता है। वो उसे बताता है कि उसने लंदन में 10 जगह पे प्रॉपर्टी खरीदी है। तभी हमें पता चलता है कि ये 1462 वाला ड्रैकुला है, जो अब ब्लड पे सर्वाइव करता है। ड्रैकुला जोनाथन की फियांसे मीना की फोटो देखता है। मीना उसे बिल्कुल एलिजाबेथ जैसी लगती है और उसे लगता है कि मीना एलिजाबेथ का रूप लेके वापस आई है। अब वो मीना को जोनाथन से छीन लेने के बारे में सोचने लगता है। ड्रैकुला जोनाथन से लेटर लिखने के लिए कहता है, जिसमें वो ये लिखवाता है कि वो ड्रैकुला के साथ एक महीने उसी के कैसल में रहेगा। जोनाथन इतने दिनों तक रुकना नहीं चाहता था, लेकिन वो ड्रैकुला को मना नहीं कर पाता। अब वो लेटर लिख के तैयार कर लेता है। दूसरी ओर मीना और उसकी दोस्त लूसी पार्टी कर रहे होते हैं। लूसी अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही होती है और मीना जोनाथन के वापस आने का इंतजार। तभी हमें रेनफील्ड को दिखाया जाता है, जो मास्टर मास्टर करके चिल्ला रहा होता है और खून मांग रहा होता है। शायद उसे भी ड्रैकुला ने वैम्पायर में तब्दील कर दिया था, जिससे अब वो उसका गुलाम हो चुका था। अगले सीन में हम ड्रैकुला को जोनाथन के साथ अजीब बिहेव करते देखते हैं, जहां वो जोनाथन की शेविंग ब्लेड में लगा खून चाट लेता है। ड्रैकुला को उसका क्रॉस पहनना भी पसंद नहीं था। ड्रैकुला जोनाथन को समझाता है कि वो रात में कैसल में ना घूमे। जोनाथन समझ जाता है कि ड्रैकुला कुछ अजीब है। वो ड्रैकुला को दीवार पे चलते देख लेता है, जिसके बाद वो कैसल को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी उसे वहां एक रूम मिलता है। रूम के अंदर जाते ही ड्रैकुला की तीन ब्राइड उसका खून पीने लगती हैं। जब तक वो जोनाथन का पूरा खून पी पाती, ड्रैकुला वहां आ जाता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है। उनसे कहता है जोनाथन उसका शिकार है और वो तीनों ब्राइड के लिए एक बच्चा लाया था ताकि वो उसका खून पी सकें। ये देख कर जोनाथन बहुत घबरा जाता है। अब ड्रैकुला लंदन के लिए निकलने वाला था। उससे पहले वो ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी बॉक्सेस में भरवा रहा था, क्योंकि वो ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाता और उसी से उसको पावर मिलती थी। वो उन बॉक्सेस को अपने लंदन वाले घर में भिजवाता है। अब वो पानी के रास्ते लंदन के लिए निकलता है। दूसरी तरफ लंदन में रेनफील्ड को पता चल जाता है कि ड्रैकुला आने वाला है, जिससे वो अजीब सा बर्ताव करने लगता है। लंदन पहुंचते ही ड्रैकुला वुल्फ जैसे क्रीचर के रूप में लूसी को अपने वश में कर लेता है और उसे काट भी लेता है। ये सब मीना देख रही होती है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। मीना लूसी को लेके अंदर आ जाती है। अगले दिन लूसी की तबीयत खराब हो जाती है। और दूसरी तरफ ड्रैकुला बिल्कुल यंग हो चुका था।
और वो दिन में भी घूम सकता था, लेकिन दिन में वो ज्यादा ताकतवर नहीं था। घूमते घूमते वो मीना से मिलता है, जहां वो अपने आप को प्रिंस ग्लैड बताता है। दूसरी ओर लूसी की तबीयत और बिगड़ने लगी थी, इसलिए उसका फियांसे आर्थर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर समझ नहीं पाता कि लूसी को क्या हुआ है, इसलिए वो डॉक्टर वैन हेल्सिंग को बुलाता है। डॉक्टर वैन हेल्सिंग लूसी के गर्दन में दांत के निशान देख के समझ जाते हैं कि लूसी को किसी वैम्पायर ने काटा है, जिसकी वजह से लूसी का बहुत ब्लड लॉस हुआ है। डॉक्टर वैन हेल्सिंग आर्थर और बाकियों को समझाते हैं कि ये एक वैम्पायर का काम है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता। उधर ड्रैकुला मीना से लगातार मिल रहा था और उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। एक बार तो वो मीना को काट के अपने वश में करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करता। मीना भी जोनेथन को भूल के ड्रैकुला की तरफ आकर्षित हो जाती है। जोनेथन अभी भी ड्रैकुला के ब्राइड के कब्जे में था और वो उसका खून पी के उसे बहुत कमजोर बना चुकी थी। एक दिन जोनेथन वहां से भागने के बारे में सोचता है और कैसल से नदी में कूद के एक गांव में पहुंचता है। वहां से वो मीना को लेटर लिखता है। उसका लेटर मिलते ही मीना जोनेथन के पास जाती है, लेकिन वो ड्रैकुला के लिए एक लेटर छोड़ जाती है। जब ड्रैकुला को पता चलता है कि मीना जोनेथन से शादी करने गई है, वो गुस्से में लूसी को काट के उसे एक वैम्पायर बना देता है। दूसरी ओर मीना और जोनेथन की शादी हो जाती है। इधर लूसी ड्रैकुला के काटने की वजह से मर जाती है, क्योंकि उसे एक वैम्पायर बनना था। सब लोगों को लगता है कि लूसी मर चुकी है, इसलिए उसे एक कैस्केड में रखा जाता है। लेकिन वैन हेल्सिंग को पता था लूसी वैम्पायर बन चुकी है। उसी रात वो लूसी के फियांसे और बाकी लोगों को लेके उसके पास पहुंचता है, लेकिन लूसी वहां से गायब होती है। तभी लूसी वहां एक बच्चे को लेके पहुंचती है ताकि वो उसका खून पी सके, लेकिन तभी सभी लोग उस पर क्रॉस से हमला कर देते हैं और क्रॉस लूसी के दिल में घोंप देते हैं। अब मीना और जोनेथन वापस लंदन आ जाते हैं। जोनेथन वापस आके वैन हेल्सिंग से मिलता है और उसे सब बात बताता है। अब वो लोग ड्रैकुला के घर पहुंच के वहां मौजूद मिट्टी वाले बॉक्सेस को तबाह कर देते हैं। इस दौरान ड्रैकुला रेनफील्ड को मार देता है, क्योंकि उसने मीना को ड्रैकुला के बारे में आगाह किया था। अब वो मीना के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उसी ने लूसी को मारा है। यह सुन के मीना को दुख होता है, लेकिन वो अभी भी ड्रैकुला से प्यार करती थी, क्योंकि उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आने लगा था। मीना ड्रैकुला को उसे भी वैम्पायर में बदलने को कहती है। अब ड्रैकुला मीना को वैम्पायर में बदलने में लग जाता है, लेकिन तभी जोनेथन वैन हेल्सिंग और बाकी लोगों को लेके वहां पहुंचता है। ड्रैकुला उनसे कहता है कि मीना अब उसकी ब्राइड बन चुकी है, और वो उन्हें चकमा देके वहां से भाग जाता है। वैन हेल्सिंग मीना को वापस होश में लाते हैं, क्योंकि ड्रैकुला जिसको भी काटता था वो उसके वश में हो जाता था। उसी का फायदा उठा के उन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला वापस रोमानिया अपने आखिरी मिट्टी वाले बॉक्स में छुप के जा रहा है। अब वो लोग ड्रैकुला को रास्ते में घेर के मारने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ड्रैकुला का मीना के दिमाग में कंट्रोल था, इसलिए उसे प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो उनसे बच निकलता है। अब वो लोग अलग अलग होके ड्रैकुला को ढूंढने निकल जाते हैं। वैन हेल्सिंग मीना को लेके ड्रैकुला के कैसल पहुंचता है। वहां ड्रैकुला की तीन ब्राइड मीना को अपने वश में कर लेती हैं, जिससे मीना वैन हेल्सिंग पे हमला कर देती है। लेकिन वैन हेल्सिंग होली कॉइन निकाल के मीना के सिर पे लगा देते हैं, जिससे वो होश में आ जाती है, और वो चारों ओर आग लगा के अपने आप को और मीना को उन तीनों से बचाते हैं। सुबह होते ही वो कैसल में घुस के उन तीनों का गला काट देते हैं। दूसरी तरफ ड्रैकुला भी कैसल पहुंचने वाला था, लेकिन पीछे से हंटर उस पर हमला कर देते हैं। अब ड्रैकुला के लोग और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। इन सब में जोनेथन का एक साथी मॉरिस घायल हो जाता है। अब जैसे ही सनसेट होता है, ड्रैकुला बॉक्स से बाहर आ जाता है और जोनेथन पे अटैक कर देता है, लेकिन जोनेथन एक नाइफ से ड्रैकुला पे वार कर देता है। इसके बाद मॉरिस भी ड्रैकुला के दिल में वार कर देता है और मॉरिस की वहीं पे मौत हो जाती है। मीना ये देखकर ड्रैकुला के पास आती है। अगले सीन में हम मीना और ड्रैकुला को वहीं देखते हैं, जहां ड्रैकुला ने खून पिया था। ड्रैकुला पूरी तरह से वैम्पायर में बदल चुका था। मीना ड्रैकुला को किस करती है, जिसके बाद वहां की कैंडल अपने आप जल जाती है, और ड्रैकुला ने जिस क्रॉस को डैमेज किया था
वो रिपेयर हो जाता है। अब ड्रैकुला भी जवान हो जाता है और मीना से मुक्ति मांगता है। मीना चाकू से ड्रैकुला के दिल में वार करती है, जिससे ड्रैकुला की मौत हो जाती है। उसके मरते ही मीना के सर पर मौजूद कॉइन का निशान भी हट जाता है, जिससे ड्रैकुला का श्राप अब खत्म हो जाता है। उसके बाद मीना ड्रैकुला का सर काट देती है और ड्रैकुला और एलिजाबेथ हेवन की ओर चले जाते हैं। मूवी का यहीं पे अंत होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।